तो अभी हम बात करेंगे आपके विश्व भारती रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जिसमें कि अभी देखो आप आज आपके यानी कि कल नाइट को लगभग 10 बजे के बाद आपके एग्जाम शेड्यूल लगभग जारी हो चुके हैं। वो अभी किस एग्जाम के आपके जारी हुई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपके MTS और बाकी जो आपके लाइब्रेरी LDC की पोस्ट है उसके आपके कब तक होंगे वो मैं आपको थोड़ी डिटेल आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं, देखो सबसे पहले ये आपके एग्जाम का नोटिस है, लेबोरेटरी अटेंडेंस, जिसकी एग्जाम डेट आपके 27 जून को आपके रखेगी, यानी कि आपके इस पोस्ट की आपके एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुकी है, यानी कि कल नाइट को 10 बजे के बाद आपके इसकी जारी हो चुकी है। अभी आपके लोअर डिवीजन कर यानी कि LDC के आपके एग्जाम शेड्यूल आपके आज नाइट को 10 बजे के बाद आप जारी होने के पूरे चांस है, यानी कि कल सुबह तक आप चेक कर पाएंगे। कल सुबह तक अगर 10 बजे तक अगर नहीं होती है तो कल मॉर्निंग को 1 बजे तक यानी कि दोपहर को 1 बजे तक आपके लाइव LDC की आपके एग्जाम छुट्टी जारी हो जाएगी। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की कल शाम तक आपके होने के चांस बन सकते हैं, नहीं तो आपको परसों सुबह मॉर्निंग तक आपको देखने को मिल जाएगी। ये लगभग सभी के उनमें डाउट था कि हमारे लगभग ओपन नहीं हो रही है, तो इसी के कारण लगभग आपके यानी कि जिस डेट को एग्जाम है उसके बाद एक एक की लगभग आंसर की आपकी जारी की जाएगी, यानी कि 7-8 दिन पहले आपके आंसर की नहीं सॉरी एग्जाम छुट्टी आपके जारी की जाती है। तो इसी कारण आपको लगभग एक दिन बाद आपको सभी एग्जाम की आपको एग्जाम शीट देखने को मिल जाएगी, यानी कि आपके आज क्या 21 तारीख हो चुकी है, यानी कि 23 जून तक आपके MTS की भी आपके लगभग आ जाएगी, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन आपके लगभग सभी को देखने को मिलेगी। जैसे जैसे कि आपके 3 जुलाई को आपके 3 जुलाई तक आपके चलने वाले हैं, तो लगभग इनकी जो जिसका हुए 3 जुलाई का एग्जाम होगा उसके लगभग आपको 25 जून के बाद आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से आपको लगभग 7 दिन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, यानी कि किसी का इनवैलिड बता रहे हैं तो उनको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, अपना थोड़ा वेट करें, लगभग 7 दिन पहले आपका एग्जाम सर्टिफिकेट जारी हो जाएगी। ये प्रोसेस मैं आपको बताने वाला था। और भी किसी के डाउट, यानी कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होता है, यानी कि देखो जिसके 27 को एग्जाम है तो उसका एडमिट कार्ड आपके लगभग 24 को आपके डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या ये रहा 2-3 डेज बिफोर एग्जाम, यानी कि 2 से 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि 27 जून को आपके एग्जाम है तो लगभग मान कर चलो कि 24 को नाइट तक, नाइट 10 बजे के आसपास आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे, जिसमें आपका पूरा फॉर्मेट आपके दिया हुआ होगा। इसी कारण अगर आपके किसी को लगभग जैसे कि MTS का मान लें 27 को आपके एग्जाम है तो लगभग आपके 26 27 27 यानी कि 26 को आपके लगभग हो जाएगा, यानी कि 25 को नाइट को भी हो सकता है या फिर 26 को आपको पूरा श्योर है कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं आपको अपडेट देना चाहता था। और भी जैसे कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर अभी और भी किसी के मन में अपडेट है, देखो डाउट है तो नेगेटिव मार्किंग का अभी लगभग जैसे कि थोड़ा इशू है, यानी कि नोटिफिकेशन जो देगा उसको लगभग दिखने को नहीं मिल रहा है, और सुना था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जब भी आप एग्जाम देने जाए तो इसमें आपको स्क्रीन पे सबसे पहले आपको कुछ डिटेल दी हुई होती है, तो उन डिटेल को आप जरूर पढ़ना जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो ये पूरी अपडेट आपको कैसी लगी, तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द लेंगे, और कोई अपडेट होगी तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।